हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका दोस्त जेकी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के स्टूडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो के वाई 200 प्रो का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो ये है वीवो का Y200 Pro एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 5G। इस तरफ में यहाँ पर हाईलाइट्स मेंशन्ड है जहाँ पर लिखा हुआ है अल्ट्रा स्लिम बॉडी विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कर्व्ड स्क्रीन एंड 64 मेगापिक्सल OIS एंटी शेक कैमरा विथ स्नैपड्रैगन 695 5G प्लेटफॉर्म एंड 44 वोट फ्लैश चार्ज प्लस 5000 mAh बैटरी। तो ये थे कुछ हाईलाइट्स और अब खोल लेते हैं बॉक्स को। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर रखा हुआ है हमारा मेन डिवाइस। नीचे यहाँ पर आए हुए स्टिकर्स, एक लेड और उसी के साथ यहाँ पर है एक सॉफ्ट सिलिकन केस, कुछ पेपर वर्क एंड एक 44 वोल्ट का फास्ट चार्ज विथ USB A to C केबल एंड एक सिम इंजेक्टर टूल। तो रखते हैं इन सभी चीज़ों को साइड में और चलते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारा मेन डिवाइस। तो जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस और कैमरा सैंपल्स भी मैं एंड में ऐड कर दूंगा और कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी मस्त है इस फ़ोन की। उसी के साथ इसमें आपको 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और उसी के साथ स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर मिलता है। तो प्रोसेसर थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत थी क्योंकि 695 2021 वाला प्रोसेसर है। तो डायमेंसिटी का कोई नया या फिर वीवो की खुद की कोई चिपसेट ऐड करने की ज़रूरत थी 695 के बदले। परफॉर्मेंस अच्छा ही है उसका भी लेकिन प्रोसेसर पुराना है एंड उसके साथ 5000 mAh की बैटरी एंड 44 वोट का वायर चार्ज सपोर्टेड। बाकी बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में भी यहाँ पर आपको प्रॉपर एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो कलर पंचीनेस एंड कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी बात करें कैमरा मोड्स के बारे में तो कैमरा के अंदर यहाँ पर आपको फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट, वीडियो, मैक्रो मूवी एंड मोर के अंदर यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून, प्रो, ड्यूअल एक्सपोजर, ड्यूअल व्यू एंड लाइव फोटो, ये सारे मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने इसी फ़ोन के कैमरा से क्लिक किए। तो बॉडी काफ़ी स्लिम है एंड काफ़ी हैंडी सा फ़ोन है, काफ़ी पतला है तो यूज़ करने में उतना ज़्यादा बल्कि नहीं लगता। एंड बैक में आपको प्लास्टिक पैनल मिलती है लेकिन उसमें जो डिज़ाइन है वो इस बारी कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वीवो। तो इसमें आपको दो कलर्स मिलते हैं, ब्लैक एंड एक ये ग्रीन, और वेरियंट सिर्फ एक ही अवेलेबल है A128 एंड उसकी प्राइस है 25,000, मतलब कि 24,999 रुपीज़। वैसे देखो तो ये चीज़ भी वर्थ इट ही है लेकिन अगर आप इससे भी अच्छा बेटर इस प्राइस पॉइंट पर लेना चाहते हैं तो या तो फिर मोटोरोला में चले जाओ। मोटोरोला में इस प्राइस पॉइंट पर आपको कई सारे इससे अच्छे वाले ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, OS का जो सेटिस्फेक्शन है वो इसमें है, उसमें नहीं है, मतलब कि उसमें स्टॉक एंड्रॉयड है। जिनको पसंद आता है उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है स्टॉक एंड्रॉयड, तो यूज़ करने में उसको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये दो ऑप्शंस है कि या तो फिर आप वीवो के लिए जा सकते हैं या फिर मोटोरोला के लिए, और इस प्राइस पॉइंट पर फीचर्स उसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा है इससे। लेकिन ये वीवो में ना ब्लूटूथ आपको भर भर के मिलते हैं, मतलब कि फेसबुक है, डेली हंट है, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, मिंत्रा, फ़ोनपे, स्नैपचैट। तो मेरे हिसाब से तो ये डिवाइस भी वर्थ इट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।